मायाराम महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने विद्यार्थियों को पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनका मार्गदर्शन भी किया। यह कार्यक्रम मायाराम महाविद्यालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा किया गया है। इसमें अतिथि के रूप में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि डॉक्टर एमपी गौतम ने विद्यार्थियों को पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं व्यक्तित्व विकास के संबंधित मार्गदर्शन भी दिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एमपी गौतम और डॉक्टर आरबी मिश्रा सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। पशुपालन के क्षेत्र में अपना किस तरह से करियर बनाना है, उसमें किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद करना है, उसके फायदे के बारे में हमारे डॉक्टर सुमंत वर्मा, डॉक्टर बीपी सिंह जी और डॉक्टर आरवी मिश्रा साहब ने बताया। और साथ ही ये हम लोगों ने युवाओं से आग्रह किया कि आप लोग पशुपालन के क्षेत्र में उतरें, क्योंकि आगे चल के हमारे स्वास्थ्य के लिए पशुपालन यानी दूध घी तथा अन्य जो ऑर्गेनिक खेती के लिए हमको विष मुक्त खेती करना है, उसके लिए पशुपालन ही लाभकारी हो सकता है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।